तो ये है बाइक और ये है 2015 मॉडल। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें और जो नई वाली बाइक आई है अपाचे की, जो अभी 2022 का मॉडल आया, उसमें क्या क्या डिफरेंस है। अगर आप उसको लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या नया मिलेगा और क्या क्या पहले जैसा ही मिलेगा। तो अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो देखने में कुछ कुछ आपको ऐसे ही लगेगी फ्रंट से, बट उसके हेडलाइट में थोड़ा चेंजेस है। जो आपको ये लाइट दिख रही है थोड़ा ऐसे ऐसे शेप में है उसके, और यहाँ पे ऐसे करके एलईडी का सेटअप आता है उसमें। और जो इंडिकेटर है वो भी थोड़ा चेंजेस हैं, थोड़े पतले हैं इससे, ये थोड़े मोटे हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, और ज़्यादा कुछ आपको फ्रंट से नई वाली बाइक में कुछ भी नहीं मिलेगा। और स्टिकर की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि स्टिकर चेंज होते रहते हैं। मैं कल ही चाहूँ अगर मैं इसके भी करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे करवाने नहीं है, तो इसलिए मैं नई वाले के स्टिकर की बात नहीं करूँगा उसके। यहाँ पे रेड कलर के स्टिकर आते हैं, तो वो मैं कराना नहीं चाह रहा, बताना नहीं चाह रहा आपको कि कैसे कैसे करना है। तो अगर साइड लुक की बात करूँ तो साइड से कुछ कुछ ऐसे ही दिखती है वो, लेकिन उसके यहाँ पे आपको अलग से एक एड ऑन मिल जाएगा, एक स्टिकर टाइप का लगा हुआ है, प्लास्टिक का भी है वो। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये अभी थोड़ा गंदा हो रखा है, लेकिन ये भी थोड़ा चेंजेज आ रहा है, अब थोड़ा जाली वाला आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको देख के पता चल जाएगा, ये चीज़ बिल्कुल सेम आ रही है और स्टिकर का जैसे मैंने आपको बताया था। और साइड से कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा आपको बाइक में। और अगर मैं पीछे की बात करूँ तो इतनी तेज़ बाइक चलानी नहीं चाहिए, और विदाउट हेलमेट चला रहे हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो और अगर मैं पीछे से बात करूँ तो पीछे से भी कुछ सेम ऐसी दिखती है, बस इंडिकेटर का फ़र्क आता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। और जो ये टेल लाइट है इसमें फ़र्क है, वो एलईडी में है, ये हैलोजन में आती है, वो एलईडी में इसके यहाँ पे पूरा आपको एलईडी दिखेगा। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, और कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी फ़र्क आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं। और अगर राइट साइड की बात करें तो जैसे इसमें किक आती है, तो उसमें तो किक तो बहुत पहले से ही बंद हो गई, लेकिन उनमें किक नहीं आती क्योंकि ये 2015 का मॉडल है, इसलिए इसमें आपको किक दिखेगी। और जैसे 15 का मॉडल, तो इसमें यहाँ पे अपाचे लिखा हुआ था, उसमें वो घोड़ा बना हुआ आता है, हॉर्स का लोगो बना हुआ आता है अपाचे का, ये नहीं आता। और बाकी स्टिकर वगैरह आते हैं यहाँ पे रेड ऑन है, रेड कलर का है, और इसमें भी थोड़ा चेंजेस किया है नई वाली में। और सबसे बड़ा चेंजेस जो आपको दिखेगा वो दिखेगा स्पीडोमीटर पे, और ये जो पहले वाला है वो इस तरीके से दिखता है। तो ये अगर उन्होंने चेंज किया है तो ठीक नहीं किया, क्योंकि पहले वाला ज़्यादा अच्छा लगता था, अब वाले में तो यहाँ खाली खाली लग रहा है, बस ऊपर ऊपर दे दिया। जैसे दूसरी वाली आती है अपाचे, उसमें वही वाला उन्होंने यहाँ दे दिया, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और अगर कंट्रोल्स की बात करूँ तो कंट्रोल कुछ इसी तरीके के आते हैं लेफ्ट साइड के, और राइट साइड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सिर्फ एक गियर स्विच आता है और सेल्फ स्टार्ट का आता है, और कुछ नहीं आता, ये लाइट वगैरह कुछ नहीं आता। और एक अलग से यहाँ पे आपको एक बटन दिख जाएगा, एड ऑन हो रखा है, जो पावर का है, पावर नॉर्मल रखनी है, हाई रखनी है, परफॉर्मेंस के हिसाब से रखा हुआ है। और आपको ज़्यादा चेंजेस बाइक में दिखेगा नहीं, और प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए हैं। अगर आपको लेनी है तो आपको करीबन बजट आपका 140 समथिंग होना चाहिए, तब जाके आपको पड़ेगी। अगर 180 लेनी तो और ज़्यादा होगी, और अपनी सिटी के हिसाब से आप गूगल पे देख लेना कि आपको कितने की पड़ेगी। पर देखने में कुछ इसी तरीके से 2015 का मॉडल है मेरा, और जो 2022 में आया उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे मैंने बताया, एक ये हो गया एक, और दूसरा स्टिकर, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और पांचवा इस पे फ्रंट पे, और छठा ये लाइट, सातवां इंडिकेटर, और आठवां ये नीचे, ये जो इंजन का प्रोटेक्टर होता है, क्या इस पर प्रोटेक्ट कोई उसका तो है नहीं, ये प्लास्टिक का, ये इजिली टूट जाए, भाई मिट्टी मिट्टी बचा लेता है, लेकिन कभी ब्रेकर पर टच होगी तो ये बचाएगा नहीं। और तो कोई चेंजेस है नहीं बाइक में, बस पीछे एक ये टेल पे है और इंडिकेटर है पीछे के, और एक किक तो आती ही नहीं है, अब आने वाले टाइम पे किसी पे भी नहीं आएगी किक, क्योंकि बैटरी के ही भरोसे आपको चलना होगा। और चेन सेट हो गया, टायर साइज़ हो गया, सब कुछ वैसे ही आता है, तो कुछ इस तरीके से आता है, और ज़्यादा कुछ आता नहीं है बाइक में। और अभी जब मेरा शोरूम में विज़िट होगा तो वहाँ पर मैं आपको प्रॉपर वीडियो दे दूँगा। लेकिन सही बताऊँ तो मेरे को जो सबसे बेकार लगा नई वाली बाइक में, वो लगा उसका इसका मीटर। मीटर पे देखो ये कितना बढ़िया, ये जैसे मेरी वाइट कलर की बाइक है तो ये भी वाइट कलर का, तो काफ़ी अच्छा लगता है। औरों में भी लगता है, जैसे ब्लू कलर की है उसमें भी ये वाइट अलग से चमकता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बट लेकिन जो नई वाली है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और अगर आपको वीडियो देखनी होगी तो कमेंट ज़रूर कर देना मुझे, और चैनल को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और अभी मैं इसकी एक वीडियो कल या परसों में, एक दो दिन में इसकी राइड की वीडियो भी डाल दूंगा,
या जो भी वीडियो पहले आएगी, ये वाली आएगी चाहे राइट की आएगी, आप चैनल पर जाके देख लेना। तो बस इतना ही कुछ है, और अभी मैंने इसमें एक वीडियो और भी बनानी है, इसमें जंक लग गया था तो मैंने W40 करके एक स्प्रे मंगाया था एंटी रेस्ट वाला, वो भी डाला था मैंने। तो मैंने जब वो यहाँ पे डाला था, मैं दिखाता हूँ आपको, ये साइलेंसर में काफ़ी जंक लगा हुआ था, तो अब तो बहुत कम है। तो जब मैंने डाला था, उसके बाद जब मैंने बाइक स्टार्ट करी तो यहाँ पे से धुआं आ रहा था, वो भी मैं उसकी भी एक वीडियो डालूंगा पूरी प्रॉपर, वो मैंने शूट करा हुआ है, बस डालना रह गया उसको। और बाकी तो कुछ भी सब ठीक ही है, और बाकी चेंजेस नहीं। इस पर भी लग गया था जंक, काफ़ी जंक लग गया था इस पर, तो इस पर भी मैंने स्प्रे डाला था। तो काफ़ी अब गाड़ी, जब से मैंने वो डाला, गाड़ी काफ़ी स्मूथ चल रही है, जैसे नई चलती थी। तो बस इतना ही है, नई वाली में पुरानी वाली में फ़र्क, और इंजन परफॉर्मेंस वगैरह थोड़ा चेंजेस हुई होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।